वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं अंदरूनी न्यू एक वीडियो लेके फिर आ गई। आप सब कैसे हो? क्योंकि इस रेनी सीजन में, बरसात के सीजन में बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो रही है। ये कोशिश करना जब भी बाहर जाओ तो अगर बारिश में भीग गया, क्या बाल गीले हो गए, तो साथ साथ में घर में आके एकदम नहा लो, एकदम सर से पानी नीचे तक एकदम सर से ही डाल लो। इसमें क्या होगा, हमारे बालों का जो रूट्स है वो जो पानी बाहर का, आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है तो बारिश का पानी भी एकदम ठीक नहीं है बालों में रहने के लिए। और एक बात होती है, जो बारिश का पानी होगा सर में जम जाए, उसमें कोल्ड एंड कफ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा जब भी हम बाहर जाए, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, उसको घर में आके चाहे वो गीले हो गए तो पहले नहा लो। नहाने के बाद बाल को ड्राई कर लो तो उससे कोल्ड कफ होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो चलो, आज का वीडियो का जो मेन वो है, तो मैं बाल लेके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस सीज़न में नॉर्मली हम लेडीज़ का एक प्रॉब्लम रहता ही है, लेडीज़ के आजकल जेंट्स टीनेज बच्चे को भी बहुत हो रही है, जो हमारे हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। और ख़ास करके इस जो रेनी सीजन होती है इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक हर टाइम ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा होती है तो हमारे बाल सूखते नहीं है, एकदम गीले गीले रहते हैं बाल, पोर्स में एकदम गीले रहने के कारण वो नरम हो जाती है और वो जल्दी गिर जाती है। और साथ में और एक प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ, डैंड्रफ के कारण भी हमारे कई बार हेयर फॉल होती है। और इसमें मॉइस्चर इतना कम हो जाती है, कई बार बाल मतलब थोड़ा सा कंघी करो तो इतना ज़्यादा बाल हमारे गिरते हैं तो हम डर जाते हैं। तो इसका ही सॉल्यूशन लेके आज आ गई। तो आप लोगों को पता ही है मैं ज़्यादातर घर का सारा चीज़ों से ही कोई भी सोल्यूशन, मतलब घर का जो रेमेडी है उससे ही एक जेल बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ये जेल आप घर में वीकली 2 दिन लगाने की कोशिश करो, अगर ना हो तो 1 डे तो ठीक है, अगर नहीं बहुत ज़्यादा जिनका हेयर फॉल हो रही है उसको एकदम रूट से, मतलब एकदम स्कैल्प को ऐसे करो, ओपन करो करके रूट से लेके एकदम बाल का एंड तक ऐसे करते हुए, जैसे हम बाहर जब हम स्पा या कोई हेयर ट्रीटमेंट करने जाते हैं, जब हमारे बाहर पार्लर में दिखाता है ना, जैसे स्कैल्प ओपन करके स्कैल्प से बाल को लेके एकदम एंड तक, अगर ये घर में जो मैं बना के अभी दिखाऊंगी ये लगाओगे, ये अगर रेगुलर थोड़ा कॉन्शियसली करोगे, मेरे ख्याल से आपका हेयर फॉल तो कम होगा ही। जिनका बहुत ज़्यादा फ्रिटेंस है, यहाँ तक कि डैंड्रफ है और एक रीग्रोथ होने के चांसेस कम हो जाती है, बाहर बहुत ज़्यादा बाल जितना झड़ रही है उतना ग्रोथ नहीं रही, सारा प्रॉब्लम एक झटके में चली जाएगी। और एक बात है, जो हम बाहर का स्पा बाहर से लेके आके कोई हेयर फॉल हो रही है इसलिए ये लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इस रेमेडी को आप थोड़ा मेंटेन करके। बहुत ज़्यादा जिनका हो रही है वीकली 2 दिन लगाओ, अगर जब बहुत ठीक ठीक हो रही है उसमें एक दिन मतलब वीक में लगाने की कोशिश ज़रूर करना। अगर ये रेगुलर लगाते जाओगे आप, मैं खुद लगाने के बाद मुझे खुद रिजल्ट मिला, ये देखो मेरा ये छोटे छोटे कितने हेयर आ रही है, तो ये मेरा पूरा सामने इतना वाला ज़्यादा झड़ गया था, पूरा सामने ऐसा लग रहा था खाली खाली हो गया, अभी भी आप लोग अगर गौर से देखोगे सामने इस जगह खाली है, बट फिर भी न्यू हेयर ग्रोथ हो रही है, न्यू ग्रोथ आ रही है, इसका मतलब इसका रिजल्ट आ रही है। तो आपको इसके लिए एकदम घर का बहुत सिंपल सा 2-3 चीज़ें चाहिए जो लगभग आजकल सबके घर में ही होता है। तो वो चीज़ें फर्स्ट ये है, ये जो है एलोवेरा। एलोवेरा मेरे पास घर में टब में है इसलिए मैंने रॉ ले लिया, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मार्केट का जो एलोवेरा जेल है वो आप ले आओ। और साथ में ग्लिसरीन, ये एक चीज़ ग्लिसरीन आपको पता ही है बालों के नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ बहुत मतलब हमारे दादी नानी सब लगाते थे, ये है नारियल के तेल। तो नारियल के तेल का कोई जितना मर्जी महंगा चीज़ आप लगा लो बालों में, इससे ज़्यादा बेटर और कुछ नहीं हो सकता। अगर रेगुलर आप, आजकल ये नहीं बोलूँगी जब आप नारियल के तेल को रेगुलर लगाओ, ये ज़रूरत नहीं है, आप वीकली 1 डे अगर नारियल के तेल के साथ, मैं जो ये बता रही हूँ घर में लगा
कि घंटे डेढ़ घंटे के लिए छोड़ दो, उसके बाद हेड वॉश कर लो। आपको उसके बाद कुछ भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि जेल लगा लूँ, कुछ सीरम लगा लूँ, कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बालों लगाने के बाद मैं खुद देखा हूँ, जो बाल एकदम से बेजान हो गई थी, एकदम बहुत ज़्यादा झड़ रही थी, ऐसे थोड़ा सा कंघी करो तो इतनी इतनी बाल निकल रहे थे, तो मैं डर गई थी जो हाँ भाई मेरे बाल पता नहीं है, मैं गंजा ही ना हो जाऊँ। और मुझे बाहर का चीज़ों से ज़्यादा घर का कुछ बना के बालों में लगा लूँ वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये ट्राई करके देखा, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। तो चलो वीडियो शुरू कर दिया, अब देखती हूँ ये प्रोसेस कैसे होता है, आप लोग देखते जाओ। जो चीज़ आप लोगों को दिख पहले बताया था मैं, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो यूज़ करो। एक बार भी अगर करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा जिनका बाल इधर से नीचे ऐसे कई बार होता है ना, नीचे से बाल टूटते रहते हैं, तो आप पूरे लेंथ में भी अच्छे से इस चीज़ को लगाओ। तो आशा करूँगी ये लगाने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इस रिज़ल्ट अच्छा है, इस वीडियो का आपको ठीक ठाक लगे, जो हम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ वो आपका रिज़ल्ट अच्छा आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुए तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस वीडियो को एंड देखने के बाद आपका जो जिन्होंने आपका मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनको तो थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
और एंड तक, शुरू से एंड तक वीडियो को बिना स्किप्ट किए हुए देखो, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगी जो ये वीडियो कैसे कैसे हो रहा है और क्या क्या कैसे किस किस स्टेप्स के मैं इसको बनाया और लगाया। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सब इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और बहुत ज़्यादा बारिश चारों तरफ हो रही है, अपने ध्यान ज़रूर रखो, अपना शरीर का स्किन हेयर के साथ साथ अपना स्किन का भी, घर का भी और बच्चों का भी, खुद का भी, सबका अच्छे से ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, न्यू वीडियो लेके बहुत बहुत जल्द आ जाएंगे। आज के लिए बाय।